अंतरा को लगा कि शायद आवाज से वो पहचान जाए कि वो रहस्यमयी आदमी कौन है। अंतरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ सेकंड्स में ही कॉल कनेक्ट हो गया। सामने की तरफ कॉल रिसीव होते ही एक धीमी आवाज आई। हाय अंतरा, मैं जानता हूं कि 5 लाख बहुत कम है, लेकिन मैं जल्द ही उस अकाउंट में और पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। उस आदमी की आवाज इतनी आकर्षक थी कि अंतरा कुछ सेकंड्स के लिए भूल गई कि उसे क्या कहना था, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और कहा, मिस्टर शैडो, आप जो कोई भी हो, 2 बातें आप अच्छी तरह से समझ लें। पहली ये कि कल रात मैं नशे में थी, इसलिए हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, इसलिए उसे 1 नाइट स्टैंड समझना। और दूसरी बात ये कि भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा जमीर अब तक मरा नहीं है। आप मेरी मदद करना चाहते हो, इसके लिए थैंक यू, मगर मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा, तुम जल्दबाजी कर रही हो, मैंने कहा था सोच समझकर फैसला लेना। अंतरा ने तुरंत जवाब दिया, मैंने सोच लिया है। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा, तुमने नहीं सोचा है, मुझे अस्वीकार करने के लिए इतनी उतावली मत हो अंतरा, जितना तुम खुद को भी नहीं जानती, उससे ज्यादा अच्छे से मैं तुम्हें जानता हूं। मिस्टर शैडो की ये बात सुनकर अंतरा ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। इतना बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया। अंतरा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा कोई उसे याद नहीं आया जिसकी आवाज मिस्टर शैडो से मिलती हो। तब तक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर कोई लैंडलाइन नंबर था। अंतरा ने कॉल आंसर किया तो सामने से आवाज आई, मिसेस आहूजा, आपके मामा सीरियस हैं, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। लाइफ केयर हॉस्पिटल के गेट के सामने एक टैक्सी आकर रुकी। अंतरा ने पैसे चुकाए और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर गई। अंतरा जब अंदर पहुंची तब उसके मामा को ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके थे। ऑपरेशन थिएटर के बाहर टेबल पर बैठी हुई नर्स के पास जाकर अंतरा ने चिंतित आवाज में पूछा, एक्सक्यूज मी सिस्टर, मुकुंद बंसल मेरे मामा हैं, क्या हुआ है उनको? नर्स ने जवाब देते हुए कहा, वैसे तो उनकी कंडीशन स्टेबल थी, लेकिन सुबह उन्हें एक कॉल आया था, उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर अचानक से बहुत लो हो गया, पर आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर अंतरा का जी घबराने लगा। मुकुंद बंसल गायत्री के पिता और अंतरा के बड़े मामा थे। उन्हें एक हार्ट अटैक पहले भी आ चुका था। हालांकि उसके बाद वो दवाई ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ना दुरुस्त थी। मुकुंद बंसल ने बचपन से अंतरा को माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। अंतरा की आंखों में आंसू उभरने लगे। तब तक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर बाहर आए। उनके सफेद कोट पर खून के निशान थे। डॉक्टर ने बाहर बैठी नर्स से पूछा कि पेशेंट के रिलेटिव आए। नर्स ने अंतरा की तरफ इशारा किया। अंतरा ने डॉक्टर के पास जाकर पूछा, सर, मेरे मामा ठीक तो है ना? डॉक्टर ने अंतरा से कहा, उनकी हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्द से जल्द उनको ऑपरेट करना पड़ेगा, अब और इंतजार नहीं कर सकते। अंतरा ने कहा, क्या आप अब तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस बात का? डॉक्टर ने अंतरा से कहा, आपका, आप तुरंत 3 लाख रुपए जमा करवा दीजिए ताकि ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो सके। अंतरा ने कहा, सर, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कहां भागने वाली थी, ऑपरेशन के बाद मैं पैसे जमा कर देती। जिसके जवाब में डॉक्टर ने कहा, सॉरी, हम बिना एडवांस पेमेंट के किसी भी तरह की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी के खिलाफ है। अंतरा के पास इतनी बड़ी रकम तो थी नहीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आज सुबह ही अंतरा ने फैसला किया था कि वो रुद्र से अब कभी बात नहीं करेगी, लेकिन अब उसके मामा की जिंदगी का सवाल था, इसलिए उसके पास रुद्र के सामने हाथ फैलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अंतरा ने अपने आत्मसम्मान का गला घोंटकर रुद्र का नंबर डायल किया। 8-10 घंटियां बजने के बाद सामने से रुद्र की आवाज आई, क्या बात है?
जिस तरह सुबह तुमने मेरा कॉल काटा था, मुझे तो लगा था कि तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगी। लेकिन लगता है डिवोर्स लेने के लिए तुम भी मेरे जितनी ही उतावली हो। रुद्र के ताने को नजरअंदाज करते हुए अंतरा ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या तुम मुझे अभी 3 लाख रुपए दे सकते हो? रुद्र ने अंतरा से कहा, तुम्हारी लालच की कोई हद नहीं है। अभी कल तुम्हें मैंने एक चेक दिया था और आज फिर से तुम पैसे मांग रही हो। कल जब मैं कह रहा था कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी, तब तो बड़ी सती सावित्री बन रही थी, आज आ गई ना अपनी औकात पर। अंतरा रुद्र से कहने जा रही थी कि वो चेक मैंने कल ही फाड़ दिया था, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ने वहां से जाते हुए अंतरा को अपने हाथ की घड़ी दिखाकर इशारा किया कि वक्त निकला जा रहा है। अंतरा ने रुद्र से कहा, रुद्र ऐसा समझ लो कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूं, बस एक बार मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारी। अंतरा आगे कुछ बोले, उससे पहले रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम इतनी बेशर्म हो सकती हो, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। तब दूर से नर्स ने भी आवाज लगाई, मिसेज आहूजा, जो भी करना है जल्दी कीजिए, पेशेंट के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अंतरा ने रुद्र से गिड़गिड़ाते हुए कहा, रुद्र तुम्हें मुझे जो कहना है, जितनी गालियां देनी है दे दो, लेकिन अगर मैंने 3 लाख रुपए जमा नहीं करवाए तो मेरे मामा मर जाएंगे। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा, बस इस बार मेरी मदद कर दो, आगे से मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी, प्लीज मुझे 3 लाख रुपए दे दो। ये कहते हुए अंतरा रो पड़ी। सामने से आवाज आई, अब बस भी करो। ये आवाज रुद्र की नहीं बल्कि गायत्री की थी। अंतरा ने उससे पूछा, रुद्र कहां गया, उसे फोन दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। गायत्री ने अंतरा से कहा, रुद्र ने खुद मुझे अपना फोन दिया है और कहा है कि वो तुमसे डिवोर्स के अलावा किसी और सिलसिले में बात नहीं करना चाहता। अंतरा ने गायत्री से कहा, तुम्हें पता भी है क्या हुआ है, मामा हॉस्पिटल। अंतरा आगे बोले, उससे पहले उसकी बात गायत्री ने पूरी करते हुए कहा, हॉस्पिटल में है, सीरियस है, और उनकी सर्जरी के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत है, यही ना? अंतरा ने गायत्री के सामने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज तुम रुद्र को मनाओ कि वो मुझे 3 लाख रुपए दें, मैं वादा करती हूँ कि धीरे धीरे करके मैं पूरे पैसे लौटा दूंगी। गायत्री ने अंतरा से कहा, अगर रुद्र अपनी मर्जी से पैसे देने को राजी होता तब भी मैं उसे देने नहीं देती, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे मामा मतलब कि मेरे पूज्य पिताजी को सुबह कॉल करके बताया था कि तुम कल रात किसी गैर मर्द के साथ सोई थी। इतनी सी बात पर बुड्ढा सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाकर गिरा। इतना कहकर गायत्री ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए फोन काट दिया। दूसरी तरफ अंतरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटी अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अंतरा गुस्से से कांप रही थी, उसे ऐसा लग रहा था कि उसने और उसके दोनों मामा ने इंसान को नहीं बल्कि सांप को पाला था। मिसेज आहूजा, आपको ऑपरेशन करवाना है या नहीं ये बता दो। नर्स की आवाज से अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। अंतरा बहुत तनाव में आ गई थी। तब उसके फोन पर एक मैसेज आया, तुमने कुछ सोचा? नीचे लिखा था द शैडो। ये पढ़ने के बाद अंतरा ने ज्यादा ना सोचते हुए फैसला लिया और अपने वॉलेट में मिस्टर शैडो का रखा हुआ डेबिट कार्ड निकाला और नर्स से पूछा, पेमेंट कहां करना है? पेमेंट होने के तुरंत बाद अंतरा के मामा की सर्जरी शुरू हुई। अंतरा ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। उसने मिस्टर शैडो को रिप्लाई किया, मैं तैयार हूं। मिस्टर शैडो का रिप्लाई आया, ठीक है, आज रात को 9 बजे मैं ठीक उसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा, होटल सहारा, रूम नंबर 607। अंतरा को खुद पर ही हंसी आ गई कि आखिर उसने खुद को बेच ही दिया। ऑपरेशन काफी लंबे समय तक चला लेकिन अंतरा वहां से हिली तक नहीं। 12 बजे अंतरा के फोन पर रुद्र का कॉल आया और उसने कहा, मैं फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ा हूं, तुम कहां पहुंची? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा, मैं नहीं आ सकती।
ये सुनकर रुद्र को गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम अपनी बात से मुकर रही हो। अंतरा ने कहा, नहीं, मैं भी जल्द से जल्द तुमसे छुटकारा चाहती हूं। रुद्र ने कहा, फिर जल्दी आओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अंतरा ने जवाब में कहा, मैं भी तुम पर अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहती। मेरे मामा का ऑपरेशन चल रहा है, इसलिए अभी मैं नहीं आ सकती। जैसे ही वो थोड़े स्टेबल हो जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगी। रुद्र ने कहा, मैंने पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए अब ये पैंतरा आजमा रही हो, वाह। अंतरा ने गुस्से से कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे सड़े हुए पैसे सिर्फ तुम्हारी उस रखेल को ही हजम होंगे। ये बोलकर अंतरा ने फोन काट दिया और स्विच ऑफ कर दिया। अंतरा के मामा का ऑपरेशन शाम तक चला। डॉक्टर ने बाहर आकर अंतरा से कहा कि अब वो खतरे से बाहर है। सुबह से शाम तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी अंतरा बेंच पर बैठ गई और उसने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। कुछ देर बाद अंतरा के मामा मुकुंद को वापस वार्ड में शिफ्ट किया गया। अभी भी उनके शरीर से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के वायर जुड़े हुए थे। उनको होश आते ही सामने अंतरा दिखी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अंतरा से कहा, बेटा, एक बार कह दे कि गायत्री ने जो कहा वो झूठ था। कह दे कि तू किसी गैर मर्द। वो आगे कुछ बोल नहीं पाए। अंतरा ने आज तक उनसे कभी झूठ नहीं कहा था। अंतरा की खामोशी से वो समझ गए और उन्होंने कहा, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है तू मेरी बच्ची। अंतरा ने अपने मामा को समझाते हुए कहा, मामा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, आप अभी स्ट्रेस मत लीजिए। मुकुंद ने अपने आंसू पोंछते हुए अंतरा से पूछा, क्या रुद्र को इस बारे में पता है? इस बात का जवाब तो अंतरा के पास भी नहीं था। अंतरा ने मुकुंद से कहा, शायद उसे नहीं पता मामा। मुकुंद ने अंतरा से कहा, आगे से ध्यान रखना बेटा, भगवान ना करे ऐसी किसी गलती की वजह से अगर तेरी शादी टूटी तो मरने के बाद मैं तेरी मां से क्या कहूंगा। मुकुंद ने अपनी बात पूरी की ही थी तब वार्ड का दरवाजा खुलने की आवाज आई। अंतरा ने उस तरफ देखा तो रुद्र वहां आया था। रुद्र ने अपने सनग्लासेस उतारते हुए रूखी नजर से अंतरा को देखा और फिर मुकुंद की तरफ देखते हुए कहा, अब कैसी तबीयत है आपकी? रुद्र को देखकर मुकुंद ने खुश होते हुए कहा, अरे रुद्र बेटा, आओ आओ बैठो। इतना कहकर मुकुंद ने आगे अंतरा से कहा, अंतरा बेटा, रुद्र कितना बिजी रहता है, ऑपरेशन के बारे में उसे बताने की क्या जरूरत थी, खामखा उसका काम डिस्टर्ब हुआ होगा। तब तक गायत्री भी वार्ड के अंदर आई। रुद्र ने मुकुंद से सीधे कह दिया, अंतरा ने मुझे यहां आने के लिए नहीं कहा था, मैं तो गायत्री के लिए आया हूं। अंतरा रुद्र की बात का मतलब समझ गई थी कि वो मुकुंद की तबीयत इसलिए पूछने नहीं आया था क्योंकि वो अंतरा के मामा थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो गायत्री के पिता थे। रुद्र की बात सुनकर मुकुंद को भी थोड़ा अजीब लगा। मुकुंद ने रुद्र और गायत्री की तरफ देखकर पूछा, गायत्री के लिए आए हो मतलब? गायत्री ने मुकुंद से कहा, पापा, आपकी तबीयत पूछने के साथ साथ एक और बात भी आपको बतानी थी, इसलिए हम दोनों यहां आए हैं। इतना बोलकर गायत्री ने अंतरा की तरफ शैतानी नजर से देखा। अंतरा एक धड़कन चूक गई। उसे समझ आ गया था कि गायत्री क्या बताने जा रही थी। अगर गायत्री ने पिछले 48 घंटे में जो कुछ हुआ वो अपने पिता को बता दिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो गायत्री को कैसे रोके। अब क्या करेगी अंतरा? क्या वो गायत्री को रोक पाएगी या फिर अपने मां बाप समान मामा को खो देगी? और मिस्टर शैडो कौन था? क्या अंतरा उसे मिल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मिस्टर शैडो सिर्फ पॉकेट एफएम पर।